अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। हमारे वेरिएबल कंप्लीट हो गया था ना, वेरिएबल कंप्लीट हो गया था। स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्लोट से स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, वो सब क्लियर था ना? कोई डाउट तो नहीं टाइप कास्टिंग में, जितना ही पढ़ाया पीछे? नहीं, डाउट तो ऐसा सच नहीं है, पर प्रैक्टिस नहीं करी तो अभी। चलो तुम प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है? ओके, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, पढ़ते हैं आज, ठीक है? फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? सर आज एक चीज, एक नई चीज करेंगे आज हम लोग। कोई इवन और नंबर निकालना आता है किसी को? इवन और ओड क्या होता है मालूम है? हाँ, 2 4 6 8 इवन और 1 3 5 7 और ठीक है, ये ओड है इवन है? कहाँ देखो, स्क्रीन विजिबल है? ये तो बहुत सारे हैं। अगर सोचो, ऑड है इवन है, सोचो कितना हो सकते हम हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं तो ऑड और लास्ट में इवन है। लास्ट में नंबर तो पूरा है ना, स्टार्टिंग एंड कैसे होगा? नंबर कंप्लीट है। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल तो एवर बार करेक्ट वाला आंसर आएगा इसमें। कंफर्म इवन है भाई। है? अगर ओड हुआ तो बाद में देखेंगे, पहले करो तो सही। ठीक इवन नंबर है भाई, तो अभी कोई है चले गए। नहीं, है भाई, हाँ भाई, यही हूँ। समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? यहाँ पे फंक्शन के थ्रू हम कंडीशन लगा रहे हैं वेदर नंबर इज इवन और ऑड। हमने वहां फॉर्मूला दिया कि अगर नंबर डिवाइड किया जाए 2 से और उसका इक्वल आ जाए 0, मतलब रिजल्ट आ जाए 0, तो नंबर इज इवन। अगर रिमाइंडर 2 आता है या फिर इक्वल टू इक्वल 0 आता है, दैट इज कॉल्ड इवन, एल्स ओड नंबर। इफ और एल्स का मतलब पता है सबको हिंदी में? इफ अगर और एल्स नहीं तो, अगर ये है तो ये है, नहीं है तो ये है, ठीक है? देखते हैं, दे रहे हैं आदित्य, देखते हैं नीचे। निशा, निशा एक बार भी नहीं बोली अभी तक। सारे तो बिजी है आज। आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है मेरे को? अच्छा, अब ऑड आएगा नंबर, और कहाँ मुझे समझ नहीं आया। एप्पल और ऑड आएगा, और एप्पल और मैंगो लिख कर आएगा। सबको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, अब क्लियर है।
ठीक है, कोई आया क्या? ठीक आदित्य का मैसेज आया है। ठीक है, तो अच्छा मैं एक और बनाऊंगा, नंबर इक्वल टू 12, इफ कंडीशन लगाता हूँ, बाद में लिखूंगा इसमें नंबर होगा मेरा, रिमाइंडर आना चाहिए 2 और इक्वल टू 12 होना चाहिए 0, प्रिंट करेगा ये दिस इज E1। ठीक रही मैं एक बार उसको कॉल करूं और मेरा सारा आउटपुट आ जाए। हाँ आपकी वॉइस चली गई थी, क्या बोल रहे हैं बताइए। ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने दो कंडीशन लगाई है इसके अंदर, एक 9 नंबर के लिए लगाई है, एक 12 नंबर के लिए लगाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दो बार कोड ना लिखना पड़े, मैं एक बार ही ऐसा फंक्शन बनाऊं, वहां पे एक बार वैल्यू चेंज करूँ, मेरा आउटपुट एक बार ही में आ जाए। मतलब ऐसा फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं और मेरा एक बार ही में ही आउटपुट आ जाए, मुझे बार बार कोड लिखना ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन बनाते कैसे, फंक्शन होता क्या, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते एक बार बेसिक नॉलेज के लिए अपने। निशा को कॉल करूं क्या एक बार? ज्वाइन ऑलरेडी आई थिंक सो, है तो ज्वाइन, शायद उसके लैपटॉप में इशू हो, से बोल नहीं रही। निशा नहीं ज्वाइन नहीं कर, सभी ठीक है, मैं बस ऐसे ही। ये तो फंक्शन क्या होते हैं पहले ये जान लेते एक बार। अच्छा, इसमें पहले तो फंक्शन के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और इसके सिंटेक्स क्या होते हैं और कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मैं अगर एक फंक्शन बना रहा हूँ नंबर के लिए, एक लॉजिक लिखता हूँ, लॉजिक कह सकता हूँ उसको, लूपिंग कह सकता हूँ, तो मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ इवन और चेक करने के लिए। तो मुझे एक अलग अलग नंबर पे हर कंडीशन, दो तीन जितनी बार मैं नंबर को जानना चाहूंगा कि कौन सा नंबर क्या है, कौन सा नंबर इवन है या ओड है, कितने बार कंडीशन लगाऊंगा, कितने कंडीशन नहीं लगानी है, ये डिपेंड करता है मेरे नंबर पे। जैसे कि वंशिता ने रिक्वायर करा कि दो नंबर क्या होता है, इवन है या ओड, मैंने उसके लिए कंडीशन लगाई, बाकी लोगों के लिए कंडीशन है, मैंने 4 लोगों के लिए 4 कंडीशन लगाई, ठीक है। अब मुझे चारों बार कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन बेसिक कहते हैं हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपना लॉजिक, लॉजिक जो हमने कंडीशन लगाई है
वो कंडीशन को हम अगर इनपुट करेंगे और अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट सबके लिए आ जाएगा। जैसे अगर वंशिता कहती है 2 नंबर के लिए चेक करो, तो मुझे क्या करना है कि वेरिएबल को चेंज करना है और वंशिता का आउटपुट मैं दे दूंगा। फिर आदित्य बोलते कि मेरे मेरा नंबर ये रिक्वायर है, तो मुझे सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो नंबर मैंने दिया उसको चेंज करना है, बाकी जो मेरा लॉजिक है कंडीशन है वो सेम रहेगा और मैं उस फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैंने कोई फंक्शन एक अपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइन बहुत लंबा पूरा प्रोग्राम दे और मैं सेम लॉजिक को मुझे कई बार इसे यूज करना है, लाइक 1000 कोड का 1000 नंबर ऑफ लाइन्स का मैंने कोड लिखा है, ठीक है, अब मैंने ऊपर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया और मुझे उसको यूज करना है नीचे, तो मैं अपने ऊपर वाले फंक्शन को नीचे कॉल कर सकता हूँ बाय उसके नेम से। मुझे बार बार कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी कि यार दोबारा कॉल किया है, अब मुझे दोबारा कंडीशन लिखो, दोबारा कोड लिखो, कोड को और लेंथी बनाना है। इससे क्या होगा, रनिंग टाइम मेरा हाई हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा सिंटेक्स यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा मेमोरी खाएगा। तो हमने इसके लिए एक फंक्शन बनाया और एक फंक्शन का एक सिस्टम निकाला कि एक फंक्शन को हम बनाते हैं उसके अंदर हम अपना लॉजिक डाल देंगे, लॉजिक में चेंज करेंगे और नीचे कॉल कर लेंगे, बात खत्म, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिकली रिजेबिलिटी होती है कि एक लॉजिक को हम लोग एक फंक्शन ब्लॉक में डालते हैं और अपना आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अगर आप कहते हो कि यार इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मतलब तो कैसे कैसे करना पड़ेगा, तो बेसिकली एक ही चीज है, डीईएफ। डीईएफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिफाइन, ठीक है। तो डिफाइन एक फंक्शन है, डेफ एक फंक्शन, इसे हम लोग पाइथन में डेफ लिखते हैं, डेफ कॉल करते हैं इसको हम लोग। तो हमें अगर पाइथन में अगर कोई कोड बनाना है तो उसको कैसे फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो हम बेसिकली एक ही चीज लिखनी है, डीईएफ, फिर फंक्शन नेम। मैं फंक्शन नेम को फन कहूंगा, FUN कहूंगा, आपसे लोग समझ जाना कि मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन नेम है, और फंक्शन नेम के आगे हमेशा याद रखना हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस और क्लोज, डबल डॉट आप लोग समझते होगे, इसे हम लोग रेशो कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में क्लोन कहते हैं, CLON, ठीक है। तो ये सिंटेक्स होता है, ठीक है, ये हमें स्मॉल में रहेगा। तो आपको डी एफ लिखना है और फंक्शन नेम, फंक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हो फंक्शन का नेम, बस ये याद रखना कि फंक्शन नेम कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड मीन समझ रहे हो ना, इफ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कीवर्ड हमारा कौन कौन से होते हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, और जितने भी हमारे कीवर्ड हैं उसको हमें फंक्शन नेम कभी नहीं देना। अगर आप वो फंक्शन नेम अपने फंक्शन के अंदर डालोगे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो फंक्शन नेम हमेशा कीवर्ड से यूनिक होना चाहिए, ठीक है। 36 हमारे कीवर्ड होते हैं, उसके अलावा कुछ भी लगा लो सब एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 36 कीवर्ड के अंदर आप कोई भी नाम नाम देते हो वो फंक्शन के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब फंक्शन में हम कौन कौन से सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, लाइक मैंने जैसे बताया कि फंक्शन के डीईएफ में लिखना डिफाइन, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के बिहाफ पे आप और भी चीजें यूज कर सकते हो, लाइक इसके जो सिंटेक्स होते हैं, पैरेंथेसिस लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमारे कितने तरह के ब्रेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस होता है, स्क्वायर ब्रेसिस होता है, हमें कोई प्रिंट कराते हैं, कर्ली ब्रेसिस होता है और एंगल ब्रेसिस होता है, तो वैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इनके सबके अलग अलग यूज होते हैं क्या, या सबके अलग सेम ही अलग, यूज नहीं करते नहीं हैं? सब देखो सबके अलग अलग यूज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एज अ शॉर्ट फॉर्म बताऊँ, शॉर्ट फॉर्म में ये पैरेंथेसिस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लिस्ट के लिए यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं, ये एंगल ब्रेसिस हमारा यूज होता है एक लॉजिक्स के लिए, जो हमारे एक एडवांस कोडिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। बेसिकली अभी तक इसका किसी ने यूज नहीं किया हुआ, काफी लोग यूज करते हैं, जैसे कि अपने सिंटेक्स को इजी सिंटेक्स बनाना है तो ज्यादातर एंगल ब्रेसिस को हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एज अ रीडिंग बेसिस में जाना जाए, नॉलेज के लिए हमें इसको हमेशा पढ़ना तो पड़ेगा, ताकि एक मालूम पड़े कि ये तरह इस तरह का भी एक बेसिस होता है, ठीक है। बेसिकली मैंने भी आज तक इस एंगल बेसिस का भी यूज नहीं करा, क्योंकि मुझे कभी नीड नहीं पड़ी, कि पैरेंथेसिस ऐसा ही कॉमन बेसिस है जो हमारी हर कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और स्क्वायर बेसिस और ये हमारा कर्ली ब्रेसिस, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाता है कि हमें लिस्ट पे बात करनी है या फिर एक डिक्शनरी के ऊपर बात करनी है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर जाते हैं इसके अंदर। ये हमारे बहुत ये ऊपर के जो फर्स्ट थर्ड है ये बहुत यूज होते हैं हमारी कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर हम आप लोग सिंटेक्स लिखोगे इसका, तो हमेशा आपको क्या करना है, डिफाइन एफ फंक्शन नेम पैरेंथेसिस
ऊपर आपकी स्टेटमेंट जो आप देना चाहते हो, स्टेटमेंट आपके ऊपर होगा, आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया सूट, ठीक है, मैंने ये अपना एक फंक्शन बनाया, डेफ मैंने एक डिफाइन कर दिया और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फ्रूट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर प्रिंट हो जाए मेरा एप्पल, प्रिंट हो जाए मेरा मैंगो। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? दोनों का नाम। रुको अगर मैं बोलूं ऐसा नहीं होगा तो? हाँ रुको, आपने डिफाइन किया फ्रूट फंक्शन और उसके बाद बोल दिया कि इस फ्रूट के अंदर है, अगर ये फंक्शन लगाएंगे तो एप्पल और मैंगो प्रिंट हो। पर पेंट तो नहीं हुआ वंशिका, अच्छे से करिए, मुझे नहीं समझ आया। मैंने फंक्शन का नाम क्या बनाया था? फ्रूट। फ्रूट अगर जब तक तो मैं फ्रूट को कॉल नहीं करूंगा तो प्रिंट कैसे होगा? अब हो गया। थोड़ी कंफ्यूजन होगी मुझे लग रहा है, हो सकता है। देखो डीएफ मैंने डिफाइन किया फ्रूट को, फ्रूट के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने फ्रूट के अंदर दिया एप्पल को और मैंगो को। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अब मैं अगर फ्रूट को बुलाऊंगा तो फ्रूट अपने साथ एप्पल और मैंगो दोनों को लेकर आएगा, है ना। अब आप लोग कहोगे ये प्रिंट कैसे हुआ? तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए प्रिंट का यूज नहीं करना पता। अगर हम सिर्फ फ्रूट का नाम लिखेंगे, जो हमने फंक्शन का नाम लिखा है, जो हमारा फ्रूट्स है, फ्रूट्स को पैरेंथेसिस लगा के अगर हम लोग इसको रन करते हैं कोड को, तो फ्रूट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी हमारी, जैसे कि हमारे अंदर एप्पल और मैंगो है फ्रूट्स के अंदर, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अभी मेरी समझ नहीं आई ये चीज। समझ क्या नहीं है पहले बताऊं, तो मैं उस पॉइंट पे पहुंचता हूँ। मैंने ये बनाया फंक्शन बनाया डिफाइन, ठीक है, डेफ हमने लिखा, फंक्शन बनाया और फ्रूट्स में हमने उसकी प्रॉपर्टी फ्रूट्स के मैंने नाम को तो दे दिया। स्टेप बाय चलते हैं। मैंने फंक्शन बनाया डीईएफ लिखा, डिफाइन किया मैंने फ्रूट को, फ्रूट मेरा फंक्शन का नाम था। ठीक है, मैंने उसके आगे पैरेंथेसिस लगाया एज पर सिंटेक्स। मैंने जैसे कि फ्रूट्स के अंदर मैंने दे दिया कि फ्रूट्स आपके अंदर एप्पल रहता है और मैंगो रहता है। जैसे कि आप जान लो, मैंने एक लास्ट टाइम क्या बताया था वेरिएबल में, कि मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ उसके अंदर कुछ डालता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल दूंगा, ए टू जेड जैसे कुछ भी डाल देता हूँ मैं, तो मेरा जब मैं वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो वेरिएबल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बताया था। अब मैंने फ्रूट के अंदर डाल दिया ये सब एप्पल मैंगो, तो मुझे अब फ्रूट को बुलाना है, मतलब फ्रूट को चाहता हूँ फ्रूट तुम इधर आओ और अपने ने जो भी मुझे दे दो, तो मुझे उसके लिए प्रिंट फंक्शन, जब भी हम कॉल करते हैं तो हमें प्रिंट का यूज नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ फंक्शन का नाम बुलाना पड़ता है। समझ गए? जब और भी हम वेरिएबल बनाते वेरिएबल हैं तो हमें प्रिंट के अंदर उस वेरिएबल को लिखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे आगे वो तो बताओगे। अभी मुझे इसका यूज कुछ समझ नहीं आया कि इसका यूज किस चीज के लिए होता है बेसिकली। यूज तुम डेली करती हो अपनी लाइफ में, अपने कोड में, कभी जिसे पढ़ोगे दिख जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, तो मैंने अगर फ्रूट को कॉल किया है मैंने, तो कॉल करने फ्रूट अपने अंदर जो भी प्रॉपर्टी वो लेकर आ गया। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, मैंने बनाया कलर, ठीक है, कलर में मैं क्या देता हूँ कि मुझे रेड कलर चाहिए और
उसको ब्लैक कर देता हूँ, लड़कों के लिए भी हो जाएगा लड़कियों के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। सही, ब्लैंक तो सही कहा, लड़कों का ब्लैंक ही होता है, कलर कॉम्बिनेशन में तो कुछ पता ही नहीं ब्लैंक होता। ब्लैंक नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, वही से पहले तुम इसका बताओ, आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा एप्पल, मैंगो, ब्लैक, पिंक। ठीक है। निशा तुम्हारी बारी, तुम बताओ किसका आउटपुट क्या आना चाहिए। निशा है नहीं, निशा ने लेफ्ट कर दिया है, उसका नेट का इशू है, उसको रिकॉर्ड करके क्लास देनी है। चलो ठीक है, निशा नहीं है। आदित्य, हाँ जी, इसका इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक एप्पल, किसका, इसका ब्लैक वेब प्रिंट का। अच्छा, दोनों का। एप्पल स्लैश मैंगो। गलत है वैसे तो। धीरज, कुछ नहीं आएगा भाई, एरर आएगा जो हमने इसको कॉल नहीं किया दोनों फंक्शंस को। हाँ हाँ कॉल नहीं किया से कुछ भी प्रिंट, एरर नहीं आएगा, बस एरर नहीं आएगा। कॉल नहीं किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हमारा कोड सही है, हमने इसको कॉल नहीं किया तो वो पास हो गया, यहाँ पे एरर कुछ नहीं आई है। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तो कैसे अपना आउटपुट देगा। मैंने फ्रूट को कॉल करा, अब मैं करता हूँ कलर को कॉल करूंगा, देखो आउटपुट में आ गया एप्पल मैंगो ब्लैक और पिंक। गॉट फंक्शन बनाने के बाद अगर हम उसको कॉल नहीं करते हैं तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो हमारा एरर आएगा। अगर हमने फंक्शन सही बनाया है तो हमारा एरर नहीं आएगा, वो उसको पास कर देगा, वो हमारे सिस्टम में रहेगा, वो बोल देगा कि आप इसको कॉल करना है, मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है। तो सिंटेक्स तो हमें मालूम पड़ गए इसके। चलो अब एक चीज और बनाकर देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या बनाएं। चलो कुछ सम करते हैं हम लोग, ऐड और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी दो नेम के फंक्शन नहीं बन सकते। अगर आप लोग सेम नेम के फंक्शन बनाओगे तो हमेशा एरर आएगा। एरर नहीं आएगा तो वो एरर तो नहीं आएगा, मान लो जैसे कि मैंने फ्रूट का बनाया और कलर का बनाया, ठीक है, मैंने फ्रूट के अंदर मैंगो और एप्पल पास कर दिया और कलर में मैंने कर रेड और ब्लैक, और मैंने कलर का नाम चेंज कर दिया फ्रूट कर दिया, तो वो क्या करेगा, जो सेकेंड हमने डिफाइन किया होगा फंक्शन को, सेकेंड टाइम में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो उसको एग्जिस्ट कर देगा, वो उसको प्रिंट करेगा फ्रूट की जगह पे। मैं आपको तो दिखा देता हूँ दोबारा से, जैसे कि मान लो हमने ये बनाया था, ठीक है, तो अभी प्रिंट हुआ एप्पल मैंगो ब्लैक और पिंक, अब मैं इसका नाम करता हूँ फ्रूट, ठीक है। देखो क्या लिख के आ रहा है, रीडिफाइनेशन ऑफ अनयूज्ड फ्रूट्स फ्रॉम लाइन 18। हम लोगों ने दोबारा से फ्रूट को सेम नाम से बना दिया है। और कलर में एरर दे दिया कि कलर कुछ था नहीं। एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, वो पता क्या करेगा, देखो समझो चीजों को। मैंने इसको रन किया, ब्लैक और पिंक आया, मतलब जो फ्रूट के अंदर प्रॉपर्टी थी एप्पल मैंगो, मैंने दोबारा फंक्शन बनाया उसको नाम फ्रूट दे दिया, जो सेकंड प्रॉपर्टी ब्लैक और पिंक थी उसने उसको ले लिया, ऊपर वाला भूल गया। ऊपर वाला डिजॉल्व हो गया। ठीक हाँ तो जब हम लोग कोई दो सेम नाम का वेरिएबल, वो क्या नाम है, फंक्शन बनाते हैं तो सेकंड टाइम में जो हमने फंक्शन बनाया होगा सेम नाम का, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को काउंट करेगा ऊपर वाली को नहीं करेगा, इसलिए जब मैंने फ्रूट को प्रिंट किया तो ब्लैक और पिंक आया, ठीक है, उसने एप्पल और मैंगो प्रिंट नहीं किया, बिकॉज उसको ये लगा कि पहले हमने एक फंक्शन बनाया था फ्रूट नाम का, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी एप्पल मैंगो दी, अब हमने नया फंक्शन दोबारा बनाया फ्रूट नाम का तो हमारे लिए एप्पल मैंगो उस वक्त नहीं है, अब हमारे लिए ब्लैक और पिंक है, ठीक है। ओके।
दोनों साथ में अकाउंट नहीं हो सकता है क्या? नहीं, साथ में दोनों नहीं आएगा, वो एक ही चीज को लेगा, चाहे तुम मैंगो ले लो। अरे मेरे कहाँ के को कट गया, एक सेकंड यार। लेकिन एक चीज कर सकते हैं ना, फिर दोनों को काउंट कर लेगा ये, अगर हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ दें और फिर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को रन करें, जैसे नहीं, कल हमने बना दिए थे। तुम कुछ भी कर लो, जब तक अगर तुम सेम नाम का फंक्शन बनाओगी तो वो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को ही काउंट करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। जैसे कि हमने कुछ भी एक्स जेड बनाया वेरिएबल, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब मैं दो, जैसे कि मान लेते हैं एक्स जेड को बनाना है तो प्रॉपर नाम देते हैं, मैंने लिखा ए, ए के अंदर ये दिया है, ठीक है। मैं बोलूंगा प्रिंट ए हो जाए, तो ए के अंदर जो मैंने डाला था वो प्रिंट हो गया 21/22 जो भी था। अब मैं दोबारा बनाऊंगा, आवाज चली तो गई, आवाज, अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ देखो मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, ठीक है। उसमें मैंने कुछ नाम डाला, कुछ भी डाल दिया, मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है। और मैंने प्रिंट ए को किया तो 21 24 24 जो मैंने डाला था वो प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है बी नाम का, और बी के अंदर मैंने ए को डाल दिया, और मैंने बी में बी, मतलब जो ए था वो मेरा बी बन गया, और बी के अंदर मैंने कुछ नया नंबर दे दिया, तो हमारी ए की प्रॉपर्टी थी वो गायब हो गई है। और हमारा अब क्या प्रिंट हुआ है, बी में क्या था हमारा 21 21 21 2। तो मेरे कहने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर जब भी आप कोई फंक्शन का दो नाम बनाते हो, मतलब कि सेम नाम रखोगे, तो वो पहली प्रॉपर्टी को नहीं काउंट करेगा, सेकंड प्रॉपर्टी को काउंट करेगा। उसको ये लगेगा कि आपने जो पहले प्रॉपर्टी डिफाइन किया था उसको आप ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। ओवरराइड मतलब समझ रहे हो ना, ओवरराइड मतलब आपने उसकी जगह उसकी जो प्रॉपर्टीज को आपने चेंज करके नया नाम दे दिया है। हाँ, अंबिके स्क्वाड देते वर्ड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ओवरराइटिंग। ओवरराइड किया हमने सेम ना, आदित्य के अंदर आदित्य की प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैं दोबारा आदित्य बनाया और आदित्य की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, मैंने ओवरराइड कर दिया। सेम फंक्शन सेम नेम में मैंने नई एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, तो वो पहली कॉन्सेप्ट को भूल जाएगा, नया कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ठीक है वंशिता, मैं कुछ अभी करके देख रही हूँ, पर अपना डाउट क्लियर। ठीक है प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड, ठीक है। अब इसमें मैं करता हूँ ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, ठीक है। और इसमें मैं करूंगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो समझ में आया। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है। ऐड मेरे फंक्शन का नाम है, मैंने एक बनाया उसके अंदर वेरिएबल, ए को दिया 10, बी को दिया 10, और एक नया वेरिएबल बनाया सी, और सी को मैंने बोला ए प्लस बी कर दो, और मैंने बोला प्रिंट करो सी को। आउटपुट कुछ नहीं आया बिकॉज मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक है। कॉल का मतलब मैंने लास्ट क्लास छोड़, मतलब मैं नहीं नहीं, था। कॉल का मतलब सिंपल कॉल है, मतलब मैंने उसे बुलाया नहीं है। कॉल का मतलब ये तो बुलाया नहीं है, बोला नहीं है उसे, बुलाया नहीं है। तो मैंने ऐड यहाँ पे लिखा, ऐड पैरेंथेसिस लगाया, तो मतलब मैंने कॉल किया उसको, मैंने कॉल किया है, ऐड को बुलाया है, तो ऐड अपना आउटपुट देगा 30, ठीक है। अब मैं इसमें एक नया बनाना चाहूंगा वेरिएबल, सॉरी एक नया फंक्शन बनाना चाहूंगा इसके अंदर मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का मैं नाम दूंगा MUL शॉर्ट फॉर्म। पैरेंथेसिस लगाया मैंने, क्लोन दिया, मैंने इसको क्या बोला सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब वो इस क्या आ रहा है यार, ये
प्रिंट करें ये सी को, क्या लगता है कुछ होगा? ये देगा एरर, तो एरर क्यों नहीं आ रही है? इसमें एरर आएगी जो कि हमारी इसमें आ नहीं रही है हमारे स्पाइडर के अंदर, कि हमारा फंक्शन सही है, बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई को कॉल नहीं किया है, भूल गए, कॉल करना पड़ेगा, कॉल नहीं करोगे तो कैसे? अब आएगी एरर, देखो ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने ए को डिफाइन किया है अपने दूसरे फंक्शन के अंदर, मल्टीप्लाई में डिफाइन नहीं किया। मतलब जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी अपना वेरिएबल या फिर कोई भी लॉजिक को डालते हैं, तो हमें दूसरे फंक्शन में कॉल करने के लिए सबसे पहले पहले वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, तब वो इसको एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या मैंने करूँगा, बनाते देखा। अब मैं ए इक्वल टू अभी करता हूँ और बी इक्वल टू 20 करूँगा, अब ये चल जाएगा। अब देखो 200 आ गया, क्योंकि मेरा ये लोकल वेरिएबल था जो मेरे एक फंक्शन के अंदर था, ये मेरा लोकल वेरिएबल है जो मेरे एक फंक्शन के अंदर है। तो हमारे बेसिकली फंक्शन के अंदर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमारे हम जो हम लोग एक फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो हम फंक्शन के बाहर कॉल करते हैं। ठीक है, एक से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माइंड में याद रहेगा ताकि हम लोग भूले ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो लोकल वेरिएबल, इसका पहले तो एक नया नया बनाता हूँ ताकि इसको मैं आपको शेयर कर सकूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देखो इस चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल देखो क्या हो गया, जो मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया वो मेरा हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, इतना सब याद रखना, फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल समझ रहे हो ना, मैंने ए नाम का बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने एक इंटीजर पास कर दिया, और फिर मैंने बनाया बी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर मैंने 20 पास कर दिया, फिर मैंने बनाया सी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर मैंने बोला कि आप ए और प्लस बी कर दो और प्रिंट करो सी को, मैंने ऐड को कॉल किया, मेरा आउटपुट आ गया 30। देन अगेन मैंने क्या करा, डिफाइन करा फंक्शन को मल्टीप्लाई नाम का, उसमें मैंने एक नया बनाया वेरिएबल ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, फिर सी इक्वल टू मैंने बोला ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, उसने मैंने बोला प्रिंट करना सी को जब मैं मल्टीप्लाई को कॉल करूंगा, मैंने मल्टीप्लाई कॉल किया, मेरा आउटपुट आ गया 200। इसका मतलब जो मैंने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया वो मेरा हो गया लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन के बाहर बनता है और हम उसको कॉल करते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे कि मैंने बनाया ए इक्वल टू बी, एक फंक्शन के बाहर बनाया मैंने वेरिएबल और मैं उसको एक फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। सी बनाया मैंने हमको वेरिएबल, सी को करा मैंने आप सी, आप ऊपर बनाया मैंने वेरिएबल, आप ए और बी को ले लो और प्लस कर दो, और मैं ऐप को कॉल करूंगा, आप इसका आउटपुट दे देना। देखो आउटपुट आ गया सेम। ठीक है, आउटपुट सेम आ गया ना? ठीक है ना, तो ये इसे कहते हैं हम लोग ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, जितना मेरे समझ में आया कि जो वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर जाके लिख रहे हैं वो हमारे लोकल हैं, और जो हम बाहर लिख के फिर बाद में फंक्शन फंक्शन कॉल करते हैं वो हमारे ग्लोबल ग्लोबल हैं। ग्लोबल, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब इनके आउटपुट में एक कोई सेकेंड, डिफरेंस आता मैं है? बताता हूँ बताता हूँ। देखो ये बहुत थोड़ा सा काफी अंडरस्टैंडिंग, काफी समझने वाला चीज है ये। फंक्शन है हमें काफी हाँ फंक्शन बहुत यूज करते हैं हम लोग कोड में, तो मैं इस क्लास को लंबी आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि हम पहले फंक्शन को, मैंने बेसिक सिखाया आज आपको, एडवांस में हम जाएंगे धीरे धीरे जैसे इसकी नीड पड़ती रहेगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा,
देन फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार मुझे वो ग्लोबल वाला प्लेस दिखाना कि मैं क्या था समझाऊंगा उसका। समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सारे आपकी स्क्रीन जो वो वाली थी जिसपे आपने पहले मैं किया था, मैं लिख रही थी। वंशिता बोला तो समझाऊंगा, तुम सब थोड़ा सब्र करो, बताऊंगा। बोला तो एक बार पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा ग्लोबल वाला। मुझे पता वो थोड़ा अटपटा सा है, तो मत अरे देखो नहीं, मेरा। मैं ये नहीं कह रही कि समझाओ, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो स्क्रीन पे दिखाया था कि कैसे लिखा है, मैं वो देख रही थी। मैं लिख रही हूँ ना साइड बाय साइड, इसलिए मैं कोई देख नहीं, नहीं पाई कि क्या लिखा था स्क्रीन पे। एग्जाम्पल नहीं लिख पाई मैं उसका। अच्छा, हमने ठीक है, समझ गई, थैंक्स। अभी मैंने ना एक चीज वो शेयर की वंशिता थी, देखना एक सेकेंड, वंशिता एक व्हाट्सएप पे। सेकेंड, वंशिता एक सेकेंड, एक बार पहले टॉपिक ले कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है? तो एक लोकल वेरिएबल क्या कहता है? ए वेरिएबल सेट टू बी लोकल इफ इज डिफाइंड इनिशियलाइज अ फंक्शन ब्लॉक। मतलब एक अगर हम फंक्शन के अंदर हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं कोई वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल, ठीक है? और बताते हैं इसके बारे में, लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल को मैं वार लिख रहा हूँ, समझ जाना, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। कैन बी यूज बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को मैं STMPS लिखूंगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पे। लाइक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट के अंदर हमने, जैसे किसी ने बताया मैंने, डिफाइन फंक्शन नेम पैरेंथेसिस स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल को मैं स्टेटमेंट में यूज कर सकता हूँ, स्टेटमेंट इन फंक्शन ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कभी भी सेम नाम का फंक्शन नहीं बना सकते हैं, लेकिन सेम नाम के वेरिएबल हम लोग अलग अलग फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हाँ, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल की। मतलब ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल अगर हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं तो उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग किसी भी फंक्शन जो भी बनाएगा उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। रीड मोड, अब बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हो कि ये करेगा करेगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लोकल, ग्लोबल वाला एक बार और बता दो क्या था इसमें। अब मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को एज अ स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है?
तो मेरा हो गया लोकल वेरिएबल। मैंने सेम फंक्शन दोबारा बनाया, सेम सेम लॉजिक लगाया, लेकिन मैंने इस बार वेरिएबल को बाहर, आउटसाइड फंक्शन के बाहर, देखो तो इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर बनाया है मैंने वेरिएबल को, इसमें फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। तो जो फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। हाँ लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ उसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिस फंक्शन हमने उसको यूज किया है, और ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग सभी फंक्शन में यूज कर सकते, मतलब जितने ही फंक्शन बनाए गए अगर हम उस वेरिएबल का नाम वहां पे डालते हैं एज अ स्टेटमेंट में, तो हम लोग उसको वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके लेकिन अगर मैं मान लो इसकी बात करता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, कॉपी करा, देखो मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों डाल दिया है। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऐड को और मल्टीप्लाई को, अब देखो आउटपुट पर क्या आएगा, 230 आया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा 40, अभी भी 230 आएगा, 30-20 आ गया, ठीक है, सेम आया है। तो जब हम लोग कभी भी ग्लोबल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन में यूज करते हैं और अंदर कॉल कर रहे हैं, बात को समझना ध्यान से। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि मैंने एक बनाया वेरिएबल ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन के अंदर मैंने बनाया लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल बनाया और उसको मैंने क्या किया, सेम नाम देके अलग से अलग अलग वैल्यू दे दी। तो इसने क्या किया, ऊपर ए इक्वल टू 10 था, नीचे भी ए इक्वल टू 10, नीचे ए इक्वल टू 20 है, ठीक है। मैंने जो ए के वेरिएबल के अंदर प्रॉपर्टी 10 की थी, मैंने उसको नीचे लोकल वेरिएबल में चेंज कर दी, नाम तो सेम है ना मेरा, तो मतलब जो प्रॉपर्टी पहले आदित्य के अंदर थी, अब मैंने आदित्य के अंदर नई प्रॉपर्टी डाल दी है, तो वो नई को एग्जिस्ट करेगा, पुरानी को भूल जाएगा, तो इस कंडीशन में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम इसका नाम अलग देते हैं, मान लो इसका नाम मैं एफ देता हूँ, इसका नाम मैं आई देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं देता हूँ जी, इसका नाम देता हूँ मैं एच, ठीक है। अब देखो क्या आएगा आउटपुट, अब आएगा 5400। उसने हमारे फंक्शन ने क्या करा, हमारे इसको उठा लिया, क्योंकि मैं नीचे बोला हुआ है फंक्शन के अंदर कि आप सी इक्वल टू ए प्लस बी करो, और यहाँ पे सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है, लोकल वेरिएबल की मैंने बात नहीं करी है। अब यहीं पे मैं अगर मैं इसका क्या करूंगा, आई कर दूंगा और एफ कर दूंगा, और यहाँ मैं कर दूंगा जी और यहाँ कर दूंगा एच, तब ये लोकल वेरिएबल काउंट करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ नीचे अपने लोकल वेरिएबल के अंदर, समझ रहे हो, ग्लोबल वेरिएबल को मैंने किसी फंक्शन में यूज नहीं किया है, तो ये यहाँ पर इसका आउटपुट में इसका काम खत्म हो गया है, ये अपने लोकल वेरिएबल को ही काउंट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आप कुछ भी बनाते हो, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल कुछ ही बनाओगे, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे अपने फंक्शन में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब आप ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो, आपको इंटरनली जाके फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल नया नहीं बनाना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। अभी मुझे नहीं समझ आया, क्या क्या समझ नहीं आया बताओ, बोल दिया तुमने? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। लोकल को कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, पता क्या बोला? मेरी समझ में नहीं आई। हमने ऐड को रन किया, ऐड के अंदर था, हमने दोनों दोनों रन किए। हमने रन क्या किया था? अच्छा, हमने दोनों रन किए, ऐड और हमने दूसरा नल बनाया, दोनों रन कर दिए। समझ में आ तो रहे हैं। अच्छा पहले तुम ये अब बताओ, लोकल तो वेरिएबल लोकल और कर दिए। ग्लोबल लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये बताओ मुझे आप। वेरिएबल में हम जो भी फंक्शन के ऊपर वैल्यू, मतलब फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको हम फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। अभी ये लोकल वेरिएबल रह गए हैं। अब लोकल वेरिएबल का क्या है कि वो सेम फंक्शन में, जैसे ऐड के वेरिएबल है तो ऐड में ही रन होंगे,
उसी में दिखाएंगे। लेकिन अगर हमने ग्लोबल बनाया है तो हम अगर सेम नेम को नल में भी यूज करते हैं तो वो हमें नल में भी दिखा देगा उसको, ऐसा मुझे समझ में आया है। देखो सिंपल सी बात है, लोकल वेरिएबल ये होता है जो हम फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल जो हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ अब मैंने क्या किया, लोकल वेरिएबल में मैं एफ और आई को प्लस करना चाहता हूँ, तो मेरा आउटपुट एफ और आई का आएगा, ठीक है। और मैंने नीचे मैंने बनाया जी और एच, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरा आउटपुट जी और एच का आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने बोला कि मुझे सेम नंबर ही, समझ रहे हो, सेम नंबर को ही प्लस कराना है, सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं इतना लंबा लोकल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन ना करके मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा बाहर की तरफ, और छोटा सा कोड लिखूंगा, मेरा आउटपुट सेम आ जाएगा। देखो आ गया, समझ रहे बात को? जब हमारी समझी, वहां रिक्वायरमेंट पे वैल्यू सेम चेंज रहती नहीं। है, जहां हमारी रिक्वायरमेंट सेम होती है, तो हमें दो बार मेहनत क्यों करनी है। मैं एक बार बनाता हूँ वेरिएबल और उसको मैं डिफाइन कर लूंगा नीचे, उसको यूज कर लूंगा। मैंने यूज कर लिया, देखो ए और प्लस बी को यूज किया और ए और मल्टीप्लाई बी कर दिया। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग नीचे यूज कर सकते हैं दोनों फंक्शन में, ये दोनों उस तरीके फंक्शन। से हो गया ना, जैसे मान लो कि मुझे किसी शीट में 1 महीने का डेटा चाहिए, तो मैंने ऊपर क्वेरी बना दी 1 महीने की, और बाद में उसको मैंने ग्लोबल बना दिया, और बाद में नीचे जितने भी उसके फंक्शन बना मतलब वो बनाए वेरिएबल, उसमें उनको प्रिंट करा लिया, ऐसे ही कह रहे हो ना तुम, सेम क्वेरी को बार बार रिकॉल करा दिया। तो मैं, मेरे कहने का एक ही मतलब है, ग्लोबल वेरिएबल को हम हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो मुझे लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आदित्य बोलेगा कि आप मल्टीप्लाई करो 50 और 60 को, और धीरज बोलेगा आप मल्टीप्लाई करो 100 और 20 को, दोनों के जहाँ रिक्वायरमेंट अलग 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 क्वेरी अलग है। है, तो मुझे हर दोनों दोनों फंक्शन में अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। और जहां पर रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, तो मैं मेहनत ना करके मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा आउटसाइड फंक्शन के, और मैं उसको नीचे यूज कर लूंगा, समझ रहे हो। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं एज पर सेम रिक्वायरमेंट में। जहां हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी तो वहां पे हमें लोकल वेरिएबल को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डिफाइन फ्रूट की बात ही करूंगा। अभी वीडियो तुम्हारी पॉज हो गई। अभी कुछ चल नहीं रहा। एक सेकंड, वो चल जाएगा। देखो चलने लग गया। अच्छा अब इधर देखो, अब मैंने क्या किया, दो फंक्शन बनाया, इतना समझ में आ गया। अब हाँ मुझे दोनों फंक्शन को बुलाना है, कॉल करना है, प्रिंट कराना चाहता हूँ दोनों फंक्शन को। तो मैं क्या करूँ, फ्रूट लिखूंगा, ठीक है, और कलर लिखूंगा। इससे क्या होगा, मेरा दोनों फंक्शन कॉल हो जाएगा, दोनों फंक्शन प्रिंट हो जाएगी, कीवी मैंगो रेड ब्लैक, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करूँ, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करूँ। मेरी बात दोबारा समझना, मैंने क्या बोला, दो फंक्शन बनाए,
और मैं एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल करके दोनों ही प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया कलर फंक्शन, ठीक है, मैंने बनाया फूड फंक्शन। अब मैंने क्या करा, कलर फंक्शन बनाया, कलर के अंदर मैंने अपने जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया था, फंक्शन नेम को मैंने ऐसे पास कर दिया फ्रूट को, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा रेड प्रिंट हो, फिर मेरा कीवी मैंगो आए, फिर मेरा ब्लैक आए। देखो पहले रेड आया, फिर मैंने फंक्शन फ्रूट इसके बीच में मैंने डाल दिया अपनी पहले फंक्शन को, तो मेरा कीवी मैंगो आ गया। फिर उसके बाद क्या था, ब्लैक था, फिर ब्लैक आ गया। लेकिन अगर मैं कलर को कॉल नहीं करूंगा तो मेरा कुछ नहीं आएगा, देखो ब्लैंक आया। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों है, आपने तो फंक्शन कॉल किया है। लेकिन आपने फंक्शन को कॉल किया है फंक्शन के अंदर, तो और जिस फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया है वो है कलर। जब तक मैं कलर को कॉल नहीं करूंगा तब तक मेरा ना ही रेड प्रिंट होगा, ना ही मेरा फ्रूट के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो प्रिंट होगी, ना ही मेरा ब्लैक प्रिंट होगा। अब देखो ओके ध्यान, समझ गए कि दोबारा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। मैंने दो फंक्शन बनाया, तो पहले मैं क्या करता था, बारी बारी फंक्शन को कॉल करता था। मैंने पहले फ्रूट को कॉल किया, मैंने कलर को कॉल किया, तो इस कंडीशन में मेरा ये आउटपुट आता था, रेड कीवी और मैंगो, सॉरी कीवी मैंगो और रेड ब्लैक। लेकिन मैं कह रहा था कि यार वंशी तो बोलते कि मुझे दो बार कॉल नहीं करना, आप ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा फंक्शन बनाओ कि मेरा एक फंक्शन को मैं कॉल करूं जिसमें मेरा ऊपर वाला फंक्शन भी कॉल हो जाए और नीचे वाला फंक्शन भी कॉल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, कनेक्ट कलर के अंदर एक प्रिंट लिखा रेड ब्लैक, उसके बीच में डाल दिया मैंने ऊपर वाला फंक्शन को कॉल कर दिया बाय नेम, और मैंने कलर को कॉल किया तो मेरा रेड भी प्रिंट हो गया, ब्लैक भी प्रिंट हो गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के बीच में ही डालना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। देखो अब इससे क्या होगा, अब पहले मेरा कीवी मैंगो प्रिंट होगा क्योंकि कलर को मैंने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन नेम डाला है, ध्यान रखना। अब मैं कलर को जब कॉल करूंगा ना तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा बताओ, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले फ्रूट्स में रखी वैल्यू प्रिंट होगी जो देन फिर उसकी रेड ब्लैक, प्रॉपर्टी हो, फिर रेड ब्लैक। ठीक है, गॉट इट, है ना। अब समझ में आ गया फंक्शन, इसके अंदर एक टॉपिक और था, क्या बोलते हैं, ओके इफ और इफ, जैसे आपको स्टार्ट में बताया इवन और नंबर निकालने के लिए इफ और एल्स, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, समझने वाली चीज है मुझे, बल्कि इससे पहले वो पढ़ाना था, लेकिन मैंने सोचा फंक्शन थोड़ा सा उससे थोड़ा इजी है, अगर मैं फंक्शन समझ में आ जाएगा अच्छे से कि फंक्शन कैसे कॉल, देखो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है, आप घर में अपनी प्रैक्टिस करना है, इसको 5-6 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग चीज प्रिंट कराना। जैसे मैंने देखो, मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोग इसको खुद मैनुअली प्रिंट करो और देखो क्या क्या आउटपुट आता है, ठीक है। अलग अलग नाम बनाओ, कुछ भी नाम बनाओ और कुछ भी डालो प्रॉपर्टी, ठीक है, और देखो प्रिंट क्या आता है। जब तक आप ये चीज पहले सबसे सबसे पहले ऐसे प्रिंट करना, ठीक है, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करके देखना, फिर ऐसे भी करके देखना, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी, फिर हम लोग इफ एल्स जब पढ़ेगा ना हमें अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम तो लोग हम मंडे क्लास लेंगे ना, मंडे लेंगे। देखो ठीक जैसे है। कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपको सामने मैंने कोड खोला है, मैंने आप लोग मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है, मैंने DEF लिखा है, DEF क्या होता है, डिफाइन हाँ एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नेम क्या है, कुछ तो है ये, ठीक धीरज धीरज सो गया, धीरज सो गया, हेलो हेलो ये मैंने, हेलो हेलो हाँ आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है, ये मैंने DEF लिखा है, डिफाइन लिखा है, डिफाइन है, फंक्शन नेम क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर भाई, कर कर मूव कर रहे हो, फंक्शन में भाई छोड़ो लिख दिया। सभी लोग, पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है, देखो मैंने एक फंक्शन बनाया DEF का नाम का,
सिमिलैरिटी कर दिया, ठीक है। तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। मैंने लगाया हाँ यहाँ पे पैरेंथेसिस, सिमिलैरिटी है। मैंने लगाया पैरेंथेसिस। आप लोग ए पे मत जाना, ये थोड़ा अलग मैटर है, सब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने लगाया कंडीशन, इफ लगाया, फिर पीडी डॉट इज नल लगाया। अब ये मत पूछना ये सब होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेगा तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा। ये थोड़ा पांडस के अंदर घुसना पड़ता है, देखो इसे लिख के पांडस, पीडीएस पांडस, पीडीएस यूज ऑफ पांडस। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस बस इसी से करनी है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारा डेफ होता है, डीई फंक्शन है। और फंक्शन नेम क्या है हमारा? फ्रूट। फ्रूट में आप कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी, अपना ही नाम क्यों ना दे दो, उसके अंदर कुछ भी प्रिंट कराओ और नीचे कॉल कर दो उस नाम को, तो आपकी प्रॉपर्टी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे कई सारे फंक्शन बनाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऐसे फंक्शन भी बनाओ कि एक वैल्यू बनाया, लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल में हमने एक फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू दे दी, ठीक है, उसको प्लस माइनस कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपको फंक्शन को हैंडलिंग करना आ जाएगा। जब फंक्शन हैंडलिंग करना सीख जाओगे तब हम लोग इफ और एल्स के अंदर घुसेंगे, और इफ और एल्स को हम लोग फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है। एक फंक्शन नेम बनाया, इसमें इफ कंडीशन लगाई, फिर रिटर्न कर दिया, ठीक है, फिर एलिफ लगाया। तो हमें ये सब पढ़ने के लिए पहले हमें फंक्शन का बेसिक आना जरूरी है, ठीक है, कि हम लोग बेसिकली इफ और एल्स यूज करते हैं कंडीशन को। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए हमें कई बार फंक्शन को अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही हमें कंडीशन को यूज करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें पहले फंक्शन को बेसिक प्रिंट कराना आना चाहिए, फंक्शन को कॉल करना आना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा एक छोटा सा लॉजिक है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे लॉजिक पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी तो मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ।